सावधान। तुझसे सावधान, तुझसे युद्ध करना तो मेरे लिए अपमान का विषय है सूदपुत्र, किंतु क्या करूं, तेरी जीभ में गांठ लगाने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं और मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। शब्दों के वान न चलाओ सभ्य बालक, अपना गांडीव उठाओ और दिखलाओ मुझे कि तुम्हारे आचार्य द्रोण ने तुम्हें क्या सिखाया। सावधान। शासन पांचाली, ये तुम्हारे केस के लिए, यदि मैंने इस दुष्ट को मार दिया तो मेरे भैया की प्रतिज्ञा का क्या होगा। अपने घाव से बहते हुए इस रक्त को प्रणाम करो युवराज, आज तुम तरुण हो गए।
ये कैसा वाण था? ये सम्मोहन वाण है। परंतु इन्हें सुलाने से क्या लाभ? मार डालिए। नहीं, यदि इन्हें मार डाला तो इनके वस्त्र अशुद्ध हो जाएंगे। क्या आप राजकुमारी उत्तरा की गुड़ियों के लिए मृतकों के वस्त्र उतारेंगे युवराज? यह आपको शोभा नहीं देता। अब जाइए और कर्ण के गुलाबी, दुर्योधन के लाल और अश्वत्थामा के वस्त्र उतार लाइए। परंतु पितामह के वस्त्र नहीं उतारिएगा, उन्हें मेरे सम्मोहन वाण नहीं सुला सकते। अब जाइए युवराज। जो आ गया।